आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस मैंने बताई थी सारी करी हैं आपने, करी है ना, उनको अपने नोटबुक में डेफिनेशंस करना रीचिंग द एज ऑफ अडोलरेंस में। सबसे पहला मैंने आपको बताई थी अडोलरेंस की डेफिनेशन, अडोलरेंस की डेफिनेशन ना कराई थी मैंने आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको मैंने कौन सी डेफिनेशन कराई थी इसके बाद, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी थी अडोलरेंस और फिर एडम्स एप्पल, तीसरी टेस्ट्रोजन, चौथी एस्ट्रोजन, ठीक है बेटा। फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पेज नंबर 117, ये देखिए यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आपने करनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। The control of another hormone secreted from the endocrine gland called the pituitary hormones. ठीक है, देखो अब इसकी डेफिनेशन बेटा, एक इसी की डेफिनेशन मैंने नहीं बताई थी, ये आपने देख ली है। बेटा इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो मेल और फीमेल हार्मोन्स की बात होती है हमारे, मैं बता रही हूँ आपको कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 43 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 23 और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा जाएगा तो आपने 46 क्रोमोसोम्स बतानी है, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी में, 46 क्रोमोसोम्स। तो अब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही हम बात करते हैं बेटा। हमारे एक होता है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेसेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, पेज नंबर 118 पे, 118 पे, ओके। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन साइकिल ये जो होती है, एक मैंने बोला था एज, ये जो है हमारी एज 10 से लेके 12 साल तक की एज जो है ये हमारी वो एडोलरेंस एज कहलाती है। और मेंसुरेशन ये है कि ये ओनली फॉर फीमेल्स, मेंसुरेशन इज ओनली फॉर फीमेल्स। ये हार्मोन्स चेंजेज होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, तो जब हार्मोन्स चेंजेज होना शुरू हो जाते हैं तो एक ये पीरियड स्टार्ट होता है, इस पीरियड्स को बोलते हैं मेंसुरेशन। ये साइकिल होती है 28 डेज के बाद स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कब होती है, 28 डेज के बाद, और कितने दिन तक रहती है, 3-5 डेज तक साइकिल रहती है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये एज अप टू कब से स्टार्ट होने की शुरुआत हो जाती है इसकी, 10 से लेके 12 साल तक की एज के बाद इसको। तो बेटा फिर क्या होता है इसे, इसमें कि एक
एग डेवलप होना शुरू हो जाता है बॉडी में, बॉडी के अंदर क्या होता है एग डेवलप होना शुरू हो जाता है, और एग को बनने में लगते हैं 28 days, 25 to 28 days, यानी कि पूरा 1 month कह लो आप, 1 month लग जाता है ठीक है इस एग को डेवलप होने पर। और ये जब एग डेवलप होता है तो बॉडी के अंदर एक यूट्रस होती है, यूट्रस पे ये अटैच होना शुरू हो जाता है, जब ये बढ़ के ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो ये क्या हो जाता है फट जाता है फिर, और फट के फिर ये क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है ठीक है। तो जब ये रिलीज होता है तो उस टाइम पीरियड को मेंसुरेशन पीरियड बोला जाता है, ओके उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है मेंसुरेशन पीरियड। लेकिन 45 से लेके 50 एज के बीच में जब इंसान आता है, लेडीज आती हैं, स्पेशली ओनली फॉर लेडीज की है ये, लड़कियों तक के ठीक है जेंट्स का नहीं है, तो जब एज आती है 45 to 50, तो ऐसी एज पर ये क्या होता है मेंसुरेशन, यानी कि एग जो बनना शुरू हो जाता था वो अब वो एग नहीं बनता है, स्टॉपेज हो जाती है, तो उस टाइम पीरियड को मोनार्च पीरियड बोला जाता है। मोनार्च देखिए आपका पेज नंबर 118 पे मोनार्च मेंसुरेशन मिल गया, दोनों समझ में आ गए मेनार्च और मेंसुरेशन। जब एग बनने की प्रक्रिया होती है तो उसको मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं, और जब वो एग बनना बंद हो जाता है एज कौन सी एज पे 45 से लेके 50 की एज पे जब ये बनना बंद हो जाएंगे तो इसको मेनार्च बोला जाता है। क्लियर सबको समझ में आ गया, ओके तो ये डेफिनेशन भी आपने लिखनी है मेंसुरेशन की भी और मेनार्च की भी ठीक है। राइट आउट मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मेंसुरेशन और मेनार्च आप अपनी बुक में देखिए, देखिए इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ बीइंग स्टार्टेड पबर्टी 10 to 12 years, यहाँ से लेके इसको छोड़ के बेटा यहाँ से द ओवा बीइंग टू मैच्योर व्हेन द ऑनसेट ऑफ ऑन द ऑनसेट ऑफ पबर्टी ऑन ओवा मैच्योर एंड इज रिलीज, यहाँ से मार्क कीजिए बेटा आप इस बुक में अपने, नहीं वन ओवा मैच्योर, ओवम मैच्योर से लगा लीजिए, ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days ठीक है। लो vessels are shed off is called mensuration period. It takes
takes days to be prepared. It takes 25 to 30 days. ठीक है, 25 से 30 days के बीच में ये egg बनता है और release होता है and इसमें ये बनता है, release होता है 3 to 5 days. Okay, so write down this definition. Next definition is menarche. The first menstruation flow leads to the puberty. Puberty के time से menstruation flow start होता है और 45 से लेकर 50 एज के बाद में ये egg develop होने stop हो जाते हैं, तो इसको menarche बोला जाता है. Okay? Okay बेटा, देखिए आप इसे. अब हम बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी में होते हैं वो हार्मोन्स कितने होते हैं. हमारी बॉडी में 36 हार्मोन्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर होती हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स में बात करेंगे तो 23 पेयर्स. ओके, और वैसे है ये 46. जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 46 होते हैं, जो उसमें से 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम्स सेम होते हैं. मेल में और फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन दो क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में वो अलग पाए जाते हैं. वही ऐसा किसी भी इंसान को देखो, 10 साल तक जब भी एक इंसान होता है, लड़का है लड़की है, बिल्कुल सेम दिखते हैं ना हम, उनमें कोई डिफरेंस करते नहीं. अब मैं इस छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को अगर एक दो चाहे एक लड़का हो एक लड़की हो, दोनों को सेम कपड़े पहना दें, चाहे लड़की के पहना दें लड़के के, अब मैं पूछूँ कौन है ये, बता सकते हो? नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सेम होते हैं, हार्मोन्स उनके डेवलप नहीं होते हैं. जब उनके हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं तो वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ओके बेटा. तो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, देखिए बेटा, मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, जो मेल के क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे मेल और ये फीमेल. मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, 22 क्रोमोसोम्स मेल में और फीमेल में सेम होते हैं. ठीक है, सिर्फ एक पेयर ही अलग होता है, 23 पेयर, लास्ट पेयर जो वन पेयर होता है वो अलग होता है, यानी कि दो क्रोमोसोम्स ही डिफर होते हैं. लास्ट पेयर जो मेल के होते हैं उसमें एक्स वाई ये क्रोमोसोम, और फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स. ठीक है, तो मेल का क्रोमोसोम जो लास्ट क्रोमोसोम सिंगल एक लास्ट क्रोमोसोम्स होता है वो मेल का होता है एक्स वाई, और फीमेल का एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जो उसको डिफर करता है कि मेल है या फीमेल है. अब जब इनका एक कोई बेबी होगा, ठीक है, बेबी होगा, अगर वो क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स के साथ मिलता है तो कौन कितने क्रोमोसोम हो गए, एक्स एक्स. अगर वाई क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स के साथ मिलेंगे तो कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स एक्स वाई. तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स दैट मींस क्या है, वो गर्ल, और एक्स वाई क्रोमोसोम्स तो क्या है, वो बॉय. तो जो वाई क्रोमोसोम जिसमें होंगे वो बॉय के होते हैं और एक्स क्रोमोसोम हमेशा गर्ल्स के होते हैं. ठीक है, अब क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया अच्छे से कि मेल और फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं. जो लड़के होते हैं उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, लड़कियों में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. 22 क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम होते हैं दोनों में. ठीक है,
22 क्रोमोसोम्स दोनों में बिल्कुल सेम होती हैं, वो नहीं डिफर करते। लास्ट क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम्स डिफर करता है, वही बनाता है कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके, देखिए एक बार अपनी बुक में अच्छे से लिखा। ओके बेटा, तो आपने ये डायग्राम इसका बनाना है अपनी कॉपी में एक्टिविटी के उसमें लास्ट में। ठीक है, तो अब आप देखिए फिगर 10.7 पेज नंबर 119 10.7 हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। ये हार्मोन जो थे तुम्हारे लास्ट के हमारे, मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन, वो आपके कैसे हार्मोन्स थे? सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं एस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन। जब ये हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं तभी तो लड़कियों की चेस्ट डेवलप होने लगती है, लड़कों के पूंछ डाढ़ी आने लगती है, ऐसा ही होता है ना, तभी तो हम उसको डिफरेंस कर पाते हैं कि ये लड़का है लड़की है। तो ये हार्मोन्स हमारे ऐसे कहलाते हैं सेक्स हार्मोन्स। लेकिन इन हार्मोन्स के अलावा सिर्फ एक ही हार्मोन्स ऐसा है जो, ये मैंने बोला था क्रोमोसोम्स में एक्स वाई जो डिफर करते हैं, सिर्फ एक ही हार्मोन्स हैं जो सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं आपके, बाकी तो सेम हैं मेल में भी फीमेल में भी। ठीक है, तो उस सेक्स हार्मोन्स के अलावा हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स की बात करते हैं। यहाँ पेज नंबर 119 देखिए, आपके पेज नंबर 119 पे यहाँ पे ये फिगर बनी हुई है, दिख रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे आपके सिर में यहाँ पे होता है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, यहाँ पे गला एकदम सूखने लग जाता है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, गला एकदम सूज कर इतना बड़ा हो जाता है। तो अगर हम इसको जहाँ पर नमक नहीं खाते हैं या नमक नहीं लेते या बहुत ज़्यादा वही ले लेते हैं तो ये हार्मोन्स डेवलप होने लगता है उसके अंदर ज़्यादा, तो उसको नुकसान होने लगता है थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियास, फिर आपके ओवरीज और टेस्टीज, यानी कि आपके एस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन जो मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं। ओके, तो ये हार्मोन्स हैं कुछ जो इनके अलावा हार्मोन्स हैं। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन क्या करा जाता है? इंसुलिन क्या होता है? जो शुगर लेवल ज़्यादा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो उससे क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। लेकिन इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन सफर फ्रॉम, देखिए द आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। शुगर लेवल ज़्यादा जब बढ़ जाती है बॉडी में तो इंसुलिन उसको दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उनका डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गया है बॉडी में। डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ने पर, मिठास यानी कि शुगर ज़्यादा बढ़ने पर इंसुलिन की टैबलेट्स दी जाती हैं। ओके, क्लियर है ये बात सभी बच्चों को? इंसुलिन की टैबलेट्स देकर उनको हार्मोन्स को नॉर्मली में लेके आते हैं। ठीक है, एड्रेनल आर ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रेनलिन, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस विद वन इज वेरी एंग्री। किसी किसी को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आता ना एकदम से गुस्सा बहुत ज़्यादा, तो वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना एकदम से, तो ये हार्मोन की वजह से आता है। ठीक है, कौन से हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। द थायराइड एंड एड्रेनलिन सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू। पिट्यूटरी से जब इनको ऑर्डर मिलता है तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स नेसेसरी विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन। ग्रोथ हार्मोन सभी में होता है, सभी छोटे छोटे तो नहीं रहते, बोने तो नहीं रहते ना, सभी बढ़ जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स उनको बॉडी में होता है, सभी भी मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है जो बॉडी को इंक्रीज करता है तुम्हारी। ठीक है, किसी किसी का ये अच्छे से और ज़्यादा डेवलप होता है तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या किसी का नहीं हो पाता तो उसकी हाइट छोटी रह जाती है। ठीक है, और किसी की नॉर्मल रहती है तो उसकी हाइट नॉर्मल जाती है। तो ये कौन सा है आपका? ग्रोथ हार्मोन होता है। फिर रोल ऑफ हार्मोन्स इन द कंप्लीशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स ऑफ फ्रॉग। इन मैंने बोला था फ्रॉग वगैरह है, इनके भी हार्मोन्स होते हैं, तो इनकी भी लाइफ हिस्ट्री जो बनती आती है वो होती है। मेटाफोर्सिस
इंसेक्ट्स वगैरह में होते हैं, और वो जैसे लार्वा, प्यूपा, एग वगैरह होते हैं, फिर वो लाइफ हिस्ट्री पूरी कम्प्लीट होती है। तो हमारी तरह ही सेम इन इंसेक्ट्स के अंदर भी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, ठीक है, जानवरों में भी हार्मोन्स डेवलप होते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ की बात करते हैं, चाहे कोई भी हेल्थ हो, रिप्रोडक्टिव छोड़ो, नॉर्मल हेल्थ होती है। हमें हेल्थ जितनी ज़्यादा हमें अपनी बॉडी को इंक्रीज करना है तो क्या करते हैं, अच्छा खाना खाएंगे तो हेल्थ अच्छी से होगी। इसलिए प्रॉपर फूड लेना चाहिए, सारे उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह, मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ होनी चाहिए खाने के अंदर, तो वो बैलेंस डाइट कहलाती है। ओके बेटा, न्यूट्रिशन नीड एंड एडोलरेंसेंट, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलरेंसेंट। एक एडोलरेंसेंट जब एज आती है, एडोलरेंस एज होती है, तो उस वक्त बहुत ही प्रॉपर खाना चाहिए होता है, क्योंकि उस वक्त बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अब आपकी एज है जो एडोलरेंस एज कहला रही है इस वक्त, तो इस वक्त बेटा आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि खाली चाट पकौड़े गोलगप्पे खाए तो बस हो गया, ऐसा करोगे नहीं, उसको आपको एक स्वाद देगा खाली, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर एक जो बॉडी को फिटनेस चाहिए ना, वो फिटनेस उससे नहीं मिलेगी। आपका पेट भी भर जाएगा, हाँ मज़ा आ गया, पेट भर गया और अच्छा लग रहा है, लेकिन एक जो बॉडी में जो पूरे उसको स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती उससे। तो हमें वो स्ट्रेंथ जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि हमारी हाइट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज करती है, और प्रॉपर डाइट होगी तो हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप होगी, ठीक है। हर चीज़ ज़रूरी है बॉडी में, इस वक्त खेलना कूदना खाना पूरा होना चाहिए बॉडी के साथ, ठीक है। तो बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट वो डाइट कहलाती है जिसमें सभी मील्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये प्रोफेशनल मात्रा में, यानी कि रोटी, चावल, सब्जी, ये सारी चीज़ें लोगे तो फिर होएगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, आगे फिर करेंगे।